बीकानेर में कोरोना महामारी को रोकने के लिए स्टेशन पे सफाई कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। सफाई कर्मचारी रेलवे परिसर को स्वच्छ रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं ताकि यात्रियों को संक्रमण से बचाया जा सके। इंडिया न्यूज के बीकानेर रिपोर्टर भवानी जोशी ने बीकानेर स्टेशन मास्टर राजकुमार अग्रवाल और जालम सिंह से बातचीत की है। अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सैनिटाइज करने की व्यवस्था कर रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए। वहीं आने जाने वाली रेल गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है और हमारे साथ गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है और यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे ध्यान रखा जा रहा है ताकि वो अपनी यात्रा को सुरक्षित कर सके और पूरी तरह सफाई की व्यवस्था में लगे हैं। हमारे साथ कुछ रेलवे के अधिकारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से व्यवस्था, ये सैनिटाइज की व्यवस्था किस तरह करती है। हम रेल प्रशासन के निर्देशों के अनुसार कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम आने जाने वाली सभी गाड़ियों को सैनिटाइज करवाते हैं और यात्रियों के सामान को भी, लगेज जो उनके साथ आता है और जाता है उसको भी नियमित सैनिटाइज करवाते हैं। इसके अतिरिक्त हम जितनी भी बेंचें हैं या फिर यात्रियों के उपयोग वाले यूटिलिटीज हैं उनको सबको सैनिटाइज नियमित करवाते हैं। सर हम जो है पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन उसके साथ साथ जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उन दोनों गाइडलाइन का पालन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो यात्री हमारे यहाँ आता है, आज पहले तो ये था कि काफ़ी टाइम पहले प्लेटफॉर्म पे यात्री आता था, अब हमने उसको रोका हुआ है कि एक घंटे पहले प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी गाड़ी में सवार होकर यात्रा करें। इसी प्रकार से आने वाले यात्री के लिए हमने ये किया हुआ है और स्टेशन पर जो भी संसाधन है सभी को पूर्ण रूप से सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंस और मास्क और किसी भी प्रकार का अन्य संक्रमित जो भी साधन होता है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया। कोरोना महामारी के संक्रमण में फैले इसके लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से सचेत है और अपने कर्मचारियों से गाड़ियों को सैनिटाइज करवा रहे हैं और लोगों को हिदायत देकर यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए।